हाँ नेबर्स का उसी दिन का बखेड़ा, ये देखो जाओ जाओ गाड़ी भी स्क्रैच ना बज जाए। अब इन्होंने फिर से गाड़ी ऐसे लगा दी है जिसके कारण वो गाड़ी सारी फिर से बैक करनी पड़नी है, देख रहे हो। अब यहाँ से मेरी गाड़ी नहीं जा सकती, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग नहीं सुधरेंगे, आपको ही बदलना पड़ेगा। मैं बेड़ा कम है, सूट ने रीत को आके बैठ गया, अब देखते हैं क्या बनता है, फिर उस चीज़ जाके पता करेंगे। पेपर में नहीं बिठा देना, पर चलो देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों ये देखो अरोड़ा जी के लिए बनवाया, गर्मी तो वेख ठीक है, ऐसे बनवाया कुछ थोड़ा बड़ा करवाया। तो यहाँ पे वैसे तो वो आती हैं मूरियाँ कह दो, पता नहीं क्या होता है। तो मैंने चेन भी ये इसी साइड की बना दी है, ये बढ़िया लगे। गर्वी जी कमेंट में बता दो कैसा लगा आपको, मैं पहुँचा तो नहीं होना जब तक ये वीडियो बाहर होगी, जब भी पहुँचा हो देख लो ऐसा बना जी आपका। क्या बात है, दोस्तों क्या हाल चाल आप सबके, आई नो आई थिंक सो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी बाइक की जो आवाज़ जो मेरी आवाज़ है ऑडिबल होगी। तो बाइक में जो टायर डला हुआ है वो है 140/70/17/66H 140 है इसकी विड्थ, 70 है इसकी हाइट, और 17 है इस 17 इंच का अलॉय, ठीक है जी। अब इसके लिए मैं बेस्ट टायर तो नहीं ढूंढ रहा, मतलब ये सीएट का टायर है, ये मेरे स्टॉक जो टायर आता है उससे 2 साइज अपग्रेड है, और जो मेरा आगे वाला टायर है वो है अराउंड अबाउट किधर गया, हाँ ये देखो ये आपको दिख रहा होगा 1997। अब यहाँ पे 180/17 अगर मैं लगाया होता तो वो बढ़िया रहता फॉर द कॉर्नरिंग, ठीक है ना। अब मेरे को कॉर्नरिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अगर आपको सच बताऊँ तो, क्योंकि आई एम नॉट दैट प्रो लेवर बाइकर, और ये मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि इससे ग्रिप अच्छी हो, कॉर्नरिंग करने में इसमें थोड़ा सा बेटर होगा। हाँ जब आप ऐसा टायर डलवाओगे ना थोड़ा माइलेज पे इफेक्ट आता है आपकी बाइक की, पर ज़्यादा भी नहीं। कोल्ड स्टार्ट सुन लूँगा इस बाइक का, चलो गाइस चलते हैं, बाइक की सर्विस भी वैसे कराने वाली हो गई हुई है और बाइक में पेट्रोल भी डलवाने वाला हुआ है, तो पहले हम जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे बाइक में एंड देन फिर काम करवाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं जी, अब मैं एक्चुअली डलवाने गया था गाड़ी के टायर, अगर आपने पिछला व्लॉग देख लिया होगा, एंड अब जब पिछला व्लॉग आपने देखा था आपको पता लग गया होगा कि मैंने पिछला टायर भी मंगा लिया था बाइक का, तो चलो देखते हैं चलते हैं जी। हो सकता है मैं युवराज को भी कैचअप करके ले गया था, उसको भी फ़ोन करते हैं कि भाई साहब किधर हैं, तो अगर तो फ्री हैं उनको भी साथ में ले के जाते हैं अपने। अब आई डोंट नो कि ये जो एंगल है वो कैसा ठीक सा आ रहा होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आ ही रहा होगा, एंड मेरा वाइज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है, एंड चलो मैं क्या बात करूँ यार, मैं क्या बोलूँ, इतना था ही नहीं, काफ़ी दिनों बाद यू नो मोटो व्लॉग हो रहा है। अब युवराज को हम इसलिए उठाएंगे क्योंकि मेरे को साथ में एक बंदा चाहिए जो कि मेरे थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचे और थोड़ी मेरी वीडियो बना दे विद टायर। अब गाइस जब भी अब टायर डलवाओगे ना तो ध्यान से डलवाना टायर हमेशा, क्योंकि यू नो वही टायर डिफाइन करेगा आपकी राइड क्वालिटी, ठीक है जी। एंड जो टायर ज़्यादा जो उन सभी टायर जैसे अब R15 पे V3 है उस पर लोग 190 mm भी डलवा लेते हैं, 200 mm भी डलवा लेते हैं, उसके डाउन साइड भी गाइस बहुत ज़्यादा है फिर, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा भी ना मोटा टायर डाल लो कि उससे एवरेज का भी फ़र्क पड़े और जो राइड क्वालिटी है उसमें भी हो, क्योंकि टायर का वेट बढ़ जाता है एंड जो टायर की माइलेज है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जो ये वाला अभी मेरे को 40 ये दे रही है, अगर मैं अपना
टायर जो है वो स्टॉक कर लूँ, तो क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो मेरे को एवरेज मेरी बढ़ सकती है 5 किलोमीटर पर लीटर से नाना करते भी। मेरे दोस्त का जो युवराज है उसका स्टॉक टायर था, वो कह रहा था कि मेरे को 45 की उसकी एवरेज थी, उसने एक साइज से बढ़ाया, मेरा दो साइज से बढ़ाया, झूठ के बोलूँगा आपसे। एंड बस यही है, अरोड़ा साहब को हम देने गए थे उनका छल्ला नहीं जो गाड़ी में हैंगिंग होता है बनवाने के लिए, पर क्या करें भाई साहब थे ही नहीं घर पे, मतलब अंकल नहीं थे घर पे, भाई साहब तो शहर में ही नहीं है, शहर में भाई साहब तो कंट्री देश में ही नहीं है, भाई साहब तो दूसरे देश है, भाई साहब क्यों बोल रहा हूँ, अंकल जी हमारे जो हैं डियर अंकल घर में उसके डैडी जी। तो इसमें भी गाइस पेट्रोल ख़त्म हो गया हुआ, जा रुक जा अबे अंकल तेरे को नहीं बोला था, पर चलो ठीक है, कॉल दी है सबको, कॉल दी है क्या करें भाई। ये भाई आ गए हैं, हाँ जी सर ठीक हो, किसी बार सब गए थे, चलो तो गाइस क्योंकि बाइक का टायर चेंज कराना है, तो मैं एक बार धूल क्यों ना डाली जाए, कम ऑन बेबी, गाइस नाउ इट्स माय टर्न, पकड़िए सर, चले है जी फोटो फूटो पूरी करा लिया, आधा घंटा बाद मैंने नाना कर लिया, दोस्तों ये अब सीधा मैं 4-5 दिन बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो हुआ क्या था, बाइक का टायर आया नहीं था, अब जाके आया, अब मैं सो के उठा तो अब हम जा रहे हैं, मौसम मेरे को लग रहा है कि शायद बन रहा है थोड़ा थोड़ा, पर चलो देखते हैं। ये टायर मैंने पूरा घिसा दिया था, उसे भी हवा भरनी पहले, तो बाइक में पेट्रोल भी डलवाने वाला, चलो चलते हैं। एंड गाइस फाइनली टायर अपना हो रहा चेंज, अंकल जी गल सुनियो, तुम एक विखाए मेरा वाला टायर कितने है, वो विखाओ मेरा वाला टायर कितने, हाँ कटो कटो ला दी यार टायर। दोस्तों ये है जी मेरा टायर, अंकल एक तुम दूजा टायर विखाए वो कितने है, गाइस वो है जी कटो बार जरा, गाइस वन ऑफ द बेस्ट टायर्स है ये, अब ये टायर कितने का बड़ा मेरे को, ये वाला, और ये टायर कितने का, 500 का सीधा डबल, क्या बात है अंकल, 2 मिनट इसको नीचे रखना, ये है जी गाइस स्टील रेडियल, और जो ये अंदर एदा ते ओदा फर्क की है, अच्छा स्पोर्ट्स कैटेगरी दा, अच्छा आहो वो गल तो ठीक कहते पे जी, तो जो वाला टायर, अच्छा ओके,
गाइस ये बता रहे केरला साइड की एक्चुअली ये हैं डिस्ट्रीब्यूटर उनका यही काम है। एंड मेरा वाला टायर है ये नया, देख रहे हो ये हाजन टायर है, न्यू टायर दोस्तों। तो इसका गाइस बाइक का सिस्टम वैसा नहीं है गाड़ी वाला, बहुत अलग है। तो देख रहे हो सारा गाइस खा गया है टायर। अंकल ये क्या है? अच्छा ना, ये देखो गाइस युवराज जी को बुला लिया, उनको दिखाते हैं डायरेक्शन टायर। और यहाँ पे ना यार फोटो डालो देख लो, एक है मेरा पुराना टायर और दूसरा मेरा नया टायर, क्या कितना ज़्यादा फर्क है। एंड फाइनली इतने दिनों के बाद अब चलो 7 साल का एक पुराना टायर था, 7 साल चल गया मेरा ये वाला टायर। और जो मेरा आगे वाला टायर है उसने निकाले थे कुछ 12 साल निकाले थे, वो 2012 का ही था, 24 चल रहा है, 12 साल उसमें डॉट निकाले थे, उसको मैंने चेंज किया था इस पर। एंड ये वाला टायर है इसने निकाले 7 से 8 साल दोस्तों। फिर मैंने सी रेडियल का टायर इसलिए नहीं पवाया कि मेरा बजट नहीं था, झूठ के बोलूँ बजट मेरा नहीं था कि 6500 रुपये का टायर मैं अभी करूँ, तो अगली बार जब मैं इसका टायर करूँगा और तो देख रहे हो युवराज भी मैंने बुला लिया, तो मेरा इतना बजट नहीं था, मैं 6500 रुपये के टायर के पीछे कर दूँ, मैं टायर चेंज करवाऊँगा 6 महीने बाद इस ये टायर देगा ना, मैं स्टील रेडियल वाला टायर पवा लूँगा। और दोस्तों वो आ रहा है अब इधर हूँ, ये पता नहीं सही यहाँ पे को देखा फिर उधर देख रहा, टायर देख ले नया नया पुराना देख ले टायर। फाइनली पैसे खर्च गाइस, ये तो पेमेंट लेके आया, कितनी लेके आया? 40-50 हज़ार तो है गाइस, बात भी है। तो ये दो अभी, अच्छा टायर अभी फिट नहीं हुआ, ये पुराना आ ही का पुराना। पैंचर कितने हैं? हैं इसमें पैंचर नहीं है, इतना बड़ा है हैं, टायर बड़ा है, मैं लगवाऊंगा तेरा, लगवा ले तेरा बड़ा है ना, फिट नहीं होना कुछ, फिट होएगा ये वाला, फिट हो जाएगा। मेरा तो पंचर बड़ा है ना, उसे पता नहीं दोस्तों, ये देख सकते हो आप नया टायर, ओए हो क्या बात है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, नजर ना लगे, थू 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 नजर ना लगे मेरी बाइक को, थू थू पहले ही थूक देते हैं कि नजर ना लगे हमारी बाइक को, ठीक है। तो नंबर प्लेट नहीं यार, क्यों बट अगर एक बार हो गया टायर नवा, क्या बात है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अंकल। अब लग रहा है ना मोटा टायर, गाइस वो जा रही है निंजा का ओसा, गाइस हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, बोल तो ना फिर बताता सुन, अच्छा दोस्तों गाइस वैसे कोई मुकाबला है नहीं, पर फिर भी यू नो यार वो कितना अच्छे तरीके से लीड कर रहा है, ओए होए ओए होए दोस्तों क्या बात है, मजेदार है। फ्लेक्स क्या हो रहा है, ये चलानी ऐसी है सबकी, उसके चक्कर में देखो
दोस्तों व्लॉग हमने एंड किया नहीं था तो हमने कहा व्लॉग कर देते एंड। टायर डलवा लिया था, जिम जुम मार लिया था, उसके बाद फिर जिम हॉलिक्स भी चल गए थे कुछ खाने पीने, यू नो लिटल प्रोटीन। अब समर जी के डैडी को लेने आए हुए हैं, तो समर जी इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के। ओके बाय।